अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे से होंगे और मैं भी हूँ। और आज है मंगलवार, तो सुबह के 10 बज रहे हैं और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं अपने रूम की सफाई कर रही हूँ। तो आज बहुत ज़ोरों से धूप हुई और इसलिए मैं सोची पहले करते ले आकर ऊपर डाल दूँगी ताकि अच्छी तरह से, और सारे करते उसमें से निकल जाएंगे। जाकर डाल दिया और मैं सब खिड़कियों को अच्छी तरह से पोछ, और पोछने के बाद साफ सफाई करने के बाद पोछने के बाद झाड़ू बर्तन करूँगी। उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने और मैं आ गई। और आ गई मैं और सुबह के 12 बज चुके हैं और हमको अभी खाना भी बनाना बाकी है। अब चलेंगे खाना बनाएंगे और आज खाने में रहेगा कीमा टिक्की। तो आज वही हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और पहले से मैंने दाल, चने की दाल और कीमा और उसमें कुछ खड़े मसाले जैसे दाल में लहसुन अदरक काली मिर्च जीरा और नमक थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालकर पहले उसको उबाल ली है। उबाल लिया उसके बाद मैं उसको सिलबट्टे पर पीस दूंगी। तो देखा आपने, मैंने पहले ही उबाल लिया दाल को और इसमें मैं निकाल लूंगी। दाल को मैं निकाल लूँगी और उसमें हमें लग रहा है थोड़ा सा पानी है, तो उसमें पानी को मैं सुखा लूँगी। उसके बाद मैं निकालूंगी और मसाले में डालूंगी। इसको मैं अब सिलबट्टे पर पीस लूँगी, बनाऊंगी इसको। और अभी हमें दाल चावल बनाना है, बाकी है दाल चावल बनाने। दाल बन रही है, उसी कुकर में कुकर को साफ करके मैंने दाल को चढ़ा दी है और इस चने की दाल और कीमा को मैं सिलबट्टे पे इसको पीसूंगी हाथ से। तो इधर मेरी दाल और उधर मैं ले गई दाल को पीसने। अब मेरी दाल हो गई है तो मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और पीस कर उसके बाद आऊंगी। तो मैं चावल बैठा दूंगी दाल में तड़के लगा कर। मैंने पीस गला दिया है और दाल भी मेरी हो गई है और ये अरहर की दाल है। तो हम लोग अरहर की दाल में ज़्यादातर लहसुन और सूखे
गर्मी से हम ट्राई करते हैं, जीरा से नहीं क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं जीरा वगैरह, तो इसीलिए और सूखी गर्मी से दाल फ्राई करते हैं। और लहसुन को हम छील लेते हैं, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मैं लहसुन को छील के तड़का उसमें लगा दूंगी, सूखे लाल मिर्च और लहसुन को डाल करके तल में तड़का लगा दूंगी मैं। तो मेरा दाल में तड़का लग गया है और मैं चावल बैठा दूंगी उसी कुकर में। मैं अक्सर एक कुकर का यूज करती हूँ, दाल बना कर के उसी में चावल भी कुकर के उसी में चावल भी बना देती हूँ। और इधर मैं कीमा और चने की दाल को पीस कर रख लिया है और उसमें मैं कुछ कटा हुआ जैसे प्याज, हरी मिर्च और डाल करके उसको टिक्की बना लूंगी। तो मैंने देखिए बारीक काट लिया है प्याज और हरी मिर्च, और मैं उसमें एक नींबू भी निचोड़ दूंगी। और हाथ के सहारे से मिला लेंगे उसको। मिलाने के बाद उसकी मैं गोल गोल टिक्की बना लूंगी। मैंने टिक्की बना ली है और मैं नॉन स्टिक तवा है तो इसमें थोड़ा तेल कम ही लगता है, नॉन स्टिक तवा में थोड़ा सा तेल डालने पर जलता नहीं है, अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा सा उसमें तेल डाल दिया है। और मैं उसमें फिर तवा दिख गया तो मैं डाल दूँगी टिक्की, इसी तरह उसको फ्राई कर लूँगी। टिक्की को तवे पर डाल दिया है, और मैंने एक गर्म कर दिया। ये मेरा टिक्की तैयार है। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? और शाम के 4 बज रहे हैं तो मतलब मैंने गद्दे को लाकर मैं इसको बिछा दूंगी, धूप चला गया छत पर से और मेरे गद्दे अच्छी तरह सूख गए हैं, इसमें धूप लग गया अच्छी तरह से गद्दे में, इसको भी अच्छी तरह से लगा दूंगी। और यहीं से मैं अपनी वीडियो का एंड कर
कैसा लगा आप लोग का मेरा वीडियो, लाइक जरूर करें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर करें।